जय हिंद दोस्तों, आज हम एक ऐसे वायरस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंसान के अंदर प्रवेश करते ही इंसान को चूतिया में तब्दील कर देता है। इस वायरस को चूतियों के वरिष्ठ वैज्ञानिक रवीश कुमार ने अंधभक्ति का नाम दिया है। और इस वायरस का फर्स्ट वेव हमारे देश में 2014 में आया था और सेकेंड वेव 2019 में, और अब इसके तीसरे वेव की तैयारी चल रही है। इसलिए आज के वीडियो में हम कुछ अंधभक्ति के वायरस से ग्रस्त मरीजों से मिलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये वायरस किसी इंसान के अंदर प्रवेश करता है तो वो कितना चुतिया जाता है। पाकिस्तान में महंगाई की खबरें देख के कितना मजा आता है। अच्छा मजा आता है। इस नमूने को पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई की खबरें देखकर मजा आता है, जबकि भारत में बढ़ती महंगाई की वजह से खुद इसका फटके फ्लावर हो चुका है। भारत में नहीं है क्या महंगाई? महंगाई बहुत है, महंगाई क्यों ना। जब मैंने 2 साल पहले स्कूटी ली थी 65 रुपए लीटर तेल था, आज 100 रुपए के आसपास लीटर रुपए तेल है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब भारत में बढ़ती महंगाई की वजह से इसकी फटी पड़ी है तो फिर पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई की खबरें देखकर इसे मजा क्यों आता है। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग इंसान के बातों पर लगाया जाता है, मगर ये तो इंसान रूपी चूतिया है। पाकिस्तान में महंगाई की खबरें देखकर क्यों मजा आता है आपको? माँ की वजह से तो नहा पड़ते हैं रेट। अच्छा, पाकिस्तान से आता है तेल क्या भारत में, आपने बताया? हाँ, तेल वहीं से आता है। पाकिस्तान से तो आया। एक अनपढ़ भी ये बता देगा कि हमारे देश में तेल पाकिस्तान से नहीं अरब देशों से आता है, और भारत में तेल की बढ़ती कीमत का जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। लेकिन अंधभक्तों के दिमाग में एक बात डाल दिया गया है कि देश में कुछ भी बुरा हो तो जिम्मेदार या तो नेहरू जी हैं या पाकिस्तान है। तो अब ये चूतिया भक्त 100 रुपये लीटर पेट्रोल होने पर नेहरू जी को तो जिम्मेदार ठहरा नहीं सकता, तो इसके हिसाब से भारत में तेल की बढ़ती कीमत का जिम्मेदार पाकिस्तान है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे देश की असल समस्या कोरोना का रोग नहीं, ये चूतिया लोग हैं। मैं देशभक्त हूँ। अच्छा। हाँ जी। और जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो देशभक्त नहीं है? जो बीजेपी के खिलाफ हैं तो सोचा जा सकता है कि वो आधे अधूरे देशभक्त हैं, पूरे तो नहीं है। आंटी का ये कहना है कि जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो आधे अधूरे देशभक्त हैं, लेकिन आंटी जी, देश में बीजेपी को वोट देने वालों की संख्या तो लगभग 40% ही है, और देश में हिंदुओं की आबादी 80% है, यानी देश के आधे से ज़्यादा हिंदू बीजेपी को छोड़कर बाकी दूसरे पार्टी को वोट देते हैं। इसका मतलब देश के आधे से ज़्यादा हिंदू आधे अधूरे देशभक्त हैं। आंटी जी, आपके इस बात पर देश के 60% जनता जो बीजेपी के खिलाफ हैं, उनके तरफ से आपसे बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। वैसे आपने इन अंधभक्तों का बीजेपी के प्रति प्रेम तो देख ही लिया, अब इन अंधभक्तों का मोदी जी के प्रति प्रेम भी देख लीजिए। आई लव मोदी। लव मोदी? कितना ज़्यादा लव करते हैं? जितना भगवान से ज़्यादा। ये दिमागी बवासीर का शिकार इंसान भगवान से ज़्यादा मोदी जी से प्यार करता है। हमको अब तक लगता था कि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, मगर इनकी बातें सुनकर लगता है कि अब हम लोग कलयुग से आगे निकल कर चूतिया युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ कोई नेता को भगवान से ज़्यादा प्यार करता है तो कोई भगवान मानता है, तो कोई नेता को बाप से बड़ा मानता है। मोदी भगवान है भारत का। अच्छा, भगवान है, भगवान वो कृष्ण के रूप में पैदा लिया है मोदी जी। बाप से बड़ा मोदी है, जो बाप पैदा किया ना, एक सेकंड चुप रहो, बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है। अरे कोई इस भोसड़ी वाले चचा को समझाओ कि भगवान या अल्लाह के बाद किसी का दर्जा होता है तो वो माँ बाप का होता है, ना कि किसी नेता का। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहा है, बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है। अगर इसके बाप ने गलती से अपने इस नालायक औलाद की ये बात सुन ली तो भाई का यकीन करो, इसे जायदाद से तो बाद में बेदखल किया जाएगा, पहले पूरे परिवार को बुलाकर उन्हें ये आदेश दिया जाएगा। वैसे अंधभक्तों का मोदी जी से प्यार एक आम इंसान के समझ के परे है, क्योंकि लैला मजनू, हीर रांझा या रोमियो जूलियट ने तो सिर्फ अपने प्रेम कहानी को ही अमर किया था, लेकिन अंधभक्तों ने मोदी जी के प्यार में मोदी जी को ही अमर कर दिया। आने वाले 100 साल तक मोदी ही मोदी रहेगा। ये नमूना जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि आने वाले 100 साल तक मोदी ही रहेगा, मानो मुल्कुल मौत इसका बाप और यमराज इसका चाचा हो। और कुछ अंधभक्त तो मोदी जी के प्यार में इतना पागल हो गया है कि मोदी जी से बिछड़ने का सोचते ही उसे मिर्गी और बवासीर का दौरा एक साथ पड़ जाता है। मैं नहीं जाऊंगा मोदी जी, मैं मर जाऊंगा आपके बगैर मोदी जी।
अबे चूतिए, ये कैसा अतरंगी प्यार है? हम तो आज तक जानलेवा प्यार देखे थे, लेकिन आज पहली बार गांठलेवा प्यार देख रहे हैं। इस तरह से अगर इसने प्यार का इजहार हमको तो छोड़ो किसी मासूम बच्चे के सामने भी कर दिया तो उस बच्चे का ये रिएक्शन होगा। वैसे ये अंधभक्ति का वायरस कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि कोरोना वायरस इंसान के फेफड़े को डैमेज करता है, लेकिन अंधभक्ति का वायरस इंसान के दिमाग को डैमेज कर देता है। और दूसरी बात, कोरोना का मरीज इलाज के जरिए रिकवर हो जाता है, लेकिन अंधभक्ति का मरीज अपनी बर्बादी के बाद ही रिकवर होता है। और जब तक वो पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हो जाता, तब तक वो ऐसे ही बहकी बहकी बातें करता है। हमारे भारत देश को अदर कंट्री वाले नहीं जानते थे कि भारत कहाँ है, लेकिन आज ऐसा है कि 5-5 कंट्री के लोग जानते हैं कि भारत एक देश है और वहाँ के एक वरिष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारा भारत सदियों तक विश्व गुरु रहा है। यहाँ पूरी दुनिया से लोग शिक्षा हासिल करने के लिए आते थे, लेकिन इस इंसानी बवासीर के हिसाब से मोदी जी से पहले भारत को कोई जानता ही नहीं था। और आज मोदी जी के वजह से 5-5 कंट्री के लोग जानते हैं कि भारत कोई देश है। अगर ये बात गांधी जी ऊपर बैठे सुन रहे होंगे तो वो भी ये सोचकर अपना माथा पीट रहे होंगे कि इन चूतियों को आज़ाद कराने के चक्कर में हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दिए। एक बार की बात है, जब हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो एक बार दौरा पे गए, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो उनको बैठने तक के लिए नहीं पूछे, वो जानता ही नहीं था कि ये भारत है, भारत कहाँ पे है और ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह जी जिस देश के दौरे पर गए थे उस देश के प्रधानमंत्री को पता ही नहीं था कि भारत कोई देश है और ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये सुनने के बाद हम मोदी जी से बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मोदी जी कृपया देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बाद में लागू कीजिएगा, पहले देश में चूतिया नियंत्रण कानून लागू कर दीजिए। वरना आरएसएस का तो पता नहीं वो भारत को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे या नहीं, लेकिन ये अंधभक्त भारत को चूतिया राष्ट्र जरूर बना देंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति का उम्मीदवार कहता है अमेरिका में कि आप हमको वोट दीजिए, जैसे इंडिया में नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं वैसे हम अमेरिका में काम करेंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति उम्मीदवार मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ता है। ये बात अगर यूएन तक पहुंच गया तो मेरा यकीन करो, पहले तो इसे अंतर्राष्ट्रीय चूतिया घोषित किया जाएगा, उसके बाद नासा वाले इसे रिसर्च के नाम पर उठा के ले जाएंगे और इसके पिछवाड़े में कीटनाशक डालकर इसके अंदर का सारा बकचोदी का कीड़ा खत्म कर देंगे। क्योंकि जो अंधभक्त ये बोल सकता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति उम्मीदवार मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ता है, कल को वही अंधभक्त ये भी बोल सकता है कि अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भाजपा का अध्यक्ष बनने के लिए इस गाने पर मुजरा करता है। हम मोदी भक्त है, छाती ठोक के है कहते, हम मोदी भक्त है, छाती ठोक के है कहते, हम मोदी भक्त है, हमारे दिल में मोदी रहते, हम मोदी भक्त है। वैसे अंधभक्तों को आप कितना भी गरियाल है, लेकिन अंधभक्तों में एक खूबी है जो दुनिया के किसी भी नेता के भक्त में नहीं पाया जाता है। आप अंधभक्तों की आलोचना करें वो खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर किसी ने मोदी जी की आलोचना कर दी तब तो ये अंधभक्त ऐसे भावुक हो जाते हैं जैसे कोई बच्चा अपने बाप की आलोचना सुनकर भावुक हो जाता है। आपको पता है 25 कंट्री के अंदर हमें वीजा की जरूरत नहीं पड़ रही अब, लेकिन साहब हमें समझ में नहीं आता है कि उसको आप गालियां देते हो, नीच कहते हो आप उसको, आप सब कुछ बोल देते हो उस आदमी को, कितना बोलते हो, अरे काम कर रहा है यार, देश के लिए कर रहा है यार, अरे उनको समझ में नहीं आ रहा है, अरे मोदी आएगा। चचा के घरियाली आंसू की कसम, हमको पहली बार किसी को रोता हुआ देखकर हंसी आया है। अगर आपको भी ये वीडियो देखकर हंसी आया तो जश्न मनाइए कि आप अब तक अंधभक्ति के वायरस का शिकार होने से बचे हुए हैं। बाकी आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। हम मोदी भक्त है, छाती ठोक के है कहते, हम मोदी भक्त है, छाती ठोक के है कहते, हम मोदी भक्त है, हमारे दिल में मोदी रहते, हम